राधी रहे एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज हम हमारे कैंपिंग की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो हमने अभी अभी परचेज किया है। आज हम आपको दिखाएंगे वो उसकी क्वालिटी के बारे में, कितने परसेंट का है, वाटरप्रूफ है या नहीं है, सब कुछ इस रिव्यू में आप देखोगे। अगर भाई कोई इंटरेस्टेड है उसे खरीदने में तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो दिखाते हैं आपको अनबॉक्सिंग करके। देख रहे हो गाइस हमारा जो पेंट आउट लग चुका है ये सिंगल लेयर में है गाइस। ये जो है सिंगल लेयर में है। अब हम इस पर दूसरी लेयर लगाने वाले हैं। आपको काफ़ी हद तक पानी से बताएगा इसे हम बांध रहे हैं। और ये जो है सिंगल लेयर में है, अभी इसकी डबल लेयर लगने वाली है जो आपको काफ़ी हद तक बारिश से भी बता सके। ये ओनली सिंगल लेयर का है लेकिन अब डबल लेयर लगने वाला है। तो गाइस ये जो है हमारी डबल लेयर लग चुकी है। तो देख रहे हो गाइस जी ये हमारा जो है 6% का है जो ये कैंप जो हमारा 6% का, लेकिन इसमें जो है तकरीबन 5 से 6 बंदे एडजस्ट हो जाएंगे। इसमें क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है, हमने परचेज किया और इसको दिखाएंगे कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं जो हमने इसके लिए और भी कुछ खरीदा। हमने कैंपिंग बैग भी वहीं से ख़रीदा है जो बहुत ही अच्छे प्राइस में हमें मिला है, जो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में है। काफ़ी सामान जो है अगर हम बाहर अगर कैंपिंग करते हैं तो इसमें बहुत काफ़ी सामान हमारा आ जाता है। टेंट क्वालिटी और जो इस बैग की क्वालिटी बहुत ही काफ़ी अच्छी है। और ये जो सिलेंडर है जो बाहर कैंपिंग करते हुए क्या करते हैं, बुटेन गैस का योग प्रयोग करते हैं लेकिन वो काफ़ी नहीं चलती है। ऐसा गैस सिलेंडर ले जाओ भाई, काफ़ी लंबा चलेगा।
तो गाइस हमारा जो कैंप है वो तैयार हो चुका है और ये हमने मैट भी वहीं से परचेज किए थे, अगर आपको परचेज करने है तो इसे खरीद सकते हो। और ये हमारा पिल्लो है जिसे हम लगाकर आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जगह इसमें बहुत बढ़िया है ये, अगर किसी भाई को ख़रीदना हो तो आप इसे खरीद सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। क्यों इसमें भी डबल लेयर है, जैसे कि पहले इसे बंद कर सकते हैं हम चैन से, जो इसे पूरी तरीके से हम बंद कर सकते हैं ताकि कहीं अगर जंगल में अगर हम कोई कैंपिंग कर रहे हैं तो किसी भी चीज़ का इधर होगा हमें पता ना रहे कि हम बंद करके बनाते हैं। क्वालिटी जो काफ़ी हद तक हमें बहुत अच्छी लगी है इसमें, ये 6% का बता रहे हैं, लेकिन अगर अच्छे से अगर इसमें हम एडजस्ट होकर सिर्फ 5 ही बंदे अच्छे से इसमें सो सकते हैं, बाकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अब देखते हैं ये वाटर प्रूफ है या नहीं है, या अगर हम इसे कैंप करते हैं तो अगर वहाँ पर रेन होती है तो क्या हमें ये बारिश से बचा पाएगी या नहीं, तो देखते हैं। पानी जो है हमने इस पर गिर दिया है, तो भाई देख रहे हो आप हमने इसे अच्छे से दे दिया है, लेकिन देखते हैं अभी वाटर प्रूफ है या नहीं है। अच्छे खोल कर दिखाते हैं आप पानी दिक्कत से कैसा अभी तक नहीं। तो भाई देख रहे हो इसमें कोई भी बारिश का कोई भी वो नहीं है, तो ये काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ है, नीचे भी कोई पानी नहीं आया अभी तक। तो वैसे इसका रिव्यू यही है कि ये जो है बहुत ही अच्छा कैंप, बहुत अच्छा टेंट और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हमें ये मिला है, तो जिस भाई को भी चाहिए वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इसे खरीदें।